going to struggle. रिकॉर्डिंग इसी में हो जाएगा ना। ठीक है सही। सो हेलो एवरीवन, आज का थोड़ा सा क्लास डिले हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। एक्चुअली थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे थे कि आपके लिए कुछ एक सिस्टम बना दें ताकि आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पर रिटर्न आते रहें। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था, पायलट टेस्ट भी कर लिया था उसका, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ नेटवर्क इश्यूज और सॉफ्टवेयर में अपडेशन की वजह से वो रीबूट हो गया पूरा सिस्टम, तो उसके लिए हमें बिल्कुल अभी फिर से उसको दोबारा सेट करना पड़ेगा, तो उसमें और ज़्यादा टाइम आपका चला जाता, तो इसीलिए हम लोग अभी आज वही पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। बट वी विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को थोड़ा सा बेटर सिस्टम मिले ताकि क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा एफर्ट ना देना पड़े और वो टाइप्ड क्वेश्चन आपको मिल जाए। वैसे आज का जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आज का PDF आपको मिल जाएगा।
हाँ, या फिर अभी देखिए अमरजीत सर आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, हैं क्वेश्चंस? अभी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, तो क्वेश्चंस को सीक्वेंस में आप लोग करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो फिर अगर जैसे ही आप लोगों को पीडीएफ रिसीव हो जाए आप लोग यस लिख देंगे, जैसे ही पीडीएफ आप लोगों को रिसीव हो जाए। सॉरी, पीडीएफ नहीं है, इमेजेस हैं क्वेश्चंस की। पीडीएफ मैं आपको बाद में भेज दूंगा, या अमरजीत सर आपको बाद में भेज देंगे। अभी फिलहाल के लिए इमेजेस मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस की, जो आज हमने आपके लिए प्रिपेयर किए थे वो आप देख सकते हैं वहां से। तो एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ज्यादा बार बार दिक्कत नहीं होगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इन सब चीजों में। आज के क्वेश्चन टफ थे, क्वेश्चन इसलिए टफ लगे होंगे, इकोनॉमी था वो थोड़ा सा आज का पोर्शन, और इकोनॉमी में थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा? एक तो उसमें इकोनॉमी था, और करंट अफेयर्स आपका अक्टूबर का था, और आपका कुछ कैपिटल्स करेंसीज वगैरह रही होंगी। आपको क्या टफ लगा? आज के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन देखिए, कल तक आपको जो टेस्ट वन है उसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, रिकॉर्ड करके लेक्चर में भेज दूंगा। आज की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी उसके एक दिन बाद, यानी नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, परसों जिसे कहते हैं, आपको नेक्स्ट टेस्ट का डिस्कशन मिल जाएगा। और कुछ हम लोग और भी चीजें प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आपसे पहले प्रॉमिस किया था हम और ज्यादा क्लासेस प्लान कर रहे हैं, तो आज या कल तक आपको वो एक प्रॉपर शेड्यूल बन के मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज ही मिल जाएगा, जिसमें हम आपका पूरा एक शेड्यूल बना देंगे कि दो क्लासेस आपका मैथ्स का लाइव होगा, दो क्लासेस आपका जीएस का लाइव होगा, बाकी उसके अलावा एडिशनल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे। तो 6 घंटे का तो आपका मान के चलिए लाइव सेशन ही हो जाएगा, उसके अलावा आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो अब आपको बस अपनी तरफ से 100% ऑफर देना है। हाँ, हम लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेट किया था कि 6 घंटा अगर आप लोग क्लास करेंगे, 720 पिक्सल पे वीडियो चलाएंगे, तो नेट का तो इश्यू बन सकता है कि 1.5 GB का डेटा लिमिट होता है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 151 रुपए का एक एक्स्ट्रा रिचार्ज होता है। ये मैं जियो का वो नहीं बोल रहा हूँ, कस्टमर केयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो वहां पर कनेक्शन जियो का ही अच्छा चलता है, या जिसका भी आपको ठीक लगे, एक 151 का एक्स्ट्रा रिचार्ज आता है। उसमें कितना नेट मिलता है? 30 GB। हाँ, तो 30 GB उसमें आपको नेट मिल जाएगा, और वो आप एक्स्ट्रा काम आएगा आपका, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई हमको मैसेज कर रहा हो कि सर नेट कम पड़ गया है, ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए कि नेट कम पड़ गया, ये सब एक्सक्यूज छोटे मोटे होते हैं, इनको आप बियर कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत हो तो आप आसपास के इंस्टीट्यूट वगैरह भी कहीं जा सकते हो, तो फ्री वाईफाई सर्विसेज भी दे देते हैं कुछ कुछ। करंट अफेयर्स का क्लास आज तो वही 9:30 तक चलेगा, उसके अलावा डेली चलेगा भी। आज 9:30 और 10 के बीच हम देख लेंगे कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मिल गए आप लोगों को? क्वेश्चंस मिल गए क्या? चलिए क्वेश्चंस पहुंच गए हैं आप तक। तो क्वेश्चन वन देखिए, उसमें से कई सारी इमेजेस आई होंगी, उसमें से जल्दी से क्वेश्चन वन निकाल लीजिए। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अभी यूनाइटेड की, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC कहते हैं उसकी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? UNHRC का प्रेसिडेंट। चार ऑप्शन है आपके पास, एक है रकर ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में नजाहत, अब पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरा नाम आपको मिल ही जाएगा उसमें क्वेश्चंस में। सी है आपका कोहली, ये विराट कोहली वाला नहीं है, डी है एलेक्स। चार नाम दिए हैं, रकर, नजाहत, कोहली, एलेक्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अभी रिसेंटली जनवरी की न्यूज है ये, UNHRC के नई प्रेसिडेंट बने हैं कौन, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
सनी नानी कह रहे हैं बी ऑप्शन नजाहत। और लोग बताइए, क्वेश्चंस आपको अमरजीत सर ने भेज दिया है, ग्रुप में डाल दिया है, वहां से आप ले लीजिए। हाँ, अगर नहीं है आपके पास तो नंबर 8076 क्या था आगे 5356 85 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चंस रिसीव नहीं हुए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ जी, तो बताइए, तो एक अरबा कह रहे हैं बी ऑप्शन, बताशी कह रहे हैं बी ऑप्शन, ज्यादातर लोग बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। इसमें आंसर तो नहीं पहुंच गया ना आपके पास, सब लोग करेक्ट बता रहे हैं। चलिए ठीक है, तो करेक्ट आंसर है नजाहत। पूरा नाम क्या है? नजाहत शमीम खान। ये डिप्लोमेट है फिजी की, फिजी इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, वहां से एक डिप्लोमेट है नजाहत शमीम खान, वो कौन बनी है? UNHRC की प्रेसिडेंट। अच्छा, अब यहां पर देखिए जिक्र आ जाता है यूनाइटेड नेशंस का, तो ये UNHRC क्या है? UNHRC एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, स्पेशलाइज ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। जैसे यूनाइटेड नेशंस जब हम पढ़ते हैं तो दो तरीके से बॉडीज पढ़ते हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स पढ़ते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा कई सारी स्पेशलाइज एजेंसीज होती है यूनाइटेड नेशंस की, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपका और भी क्या कहते हैं, जैसे यूनिसेफ है, ये सब कल जो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी तरह से एक है आपका UNHRC। इन सब में दो चीजें हमने कहा था इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज होती है फुल फॉर्म और दूसरी चीज होती है इनका हेडक्वार्टर। जैसे कल यूनिसेफ जब हमने पढ़ा था तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पड़ा था बताइए, कल पढ़ के आ चुके हैं, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पड़ा था? ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स चल रहा है, जनवरी से जून का हमारा टारगेट है, जनवरी से जून का। हाँ, चांदनी जी कह रहे हैं न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कल हमने पढ़ा था न्यूयॉर्क USA में। इसी तरह से किसी को पता है UNHRC का हेडक्वार्टर? UNHRC का हेडक्वार्टर UNHRC का हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सांगदीडा कह रहे हैं जेनेवा। और लोग बताइए UNHRC का हेडक्वार्टर? नहीं पता है तो गूगल करिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप नॉलेज लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, अगर आपने नॉलेज सीकिंग नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज गलत चीज नहीं है, लेकिन हाँ, लैक ऑफ कह सकते हैं विलिंग ऑफ नॉलेज, अब वो चीज अगर नहीं है, लैक ऑफ विलिंगनेस ऑफ नॉलेज, तो वो गलत है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप गूगल नहीं कर सकते, खटाक से गूगल करिए, इसी दिन के लिए तो गूगल बनाया गया, गूगल वाले इसी का तो ऐड करते हैं। चलिए, नो आइडिया कहने से काम नहीं चलेगा, गूगल पे देख के बताइए। चलिए, तो बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे, तो इसका मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। UNHRC का हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ठीक है, एक चीज बता दो कि सेटिंग में जाके, अच्छा ठीक है, क्लोज कैप्शंस करने ताकि वो जो आता है वो देखिए, अगर किसी को सबटाइटल्स दिख रहे हो तो सेटिंग्स में जाइए, इस तरह का गियर वाला ऑप्शन बना आता है, तो सेटिंग्स में जाके क्लोज कैप्शंस नाम का ऑप्शन आता है, वहां से आप अपना सबटाइटल्स, अगर कोई किसी तरह का कैप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए, जिन जिन को मिल गया पढ़िए क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, हु हैज बीन कंफर्ड इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं, ए ऑप्शन अतुल कुलकर्णी, बी ऑप्शन अशोक सराफ, सी ऑप्शन बिस्वजीत चटर्जी, डी ऑप्शन नाना पाटेकर। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? एक इवेंट हुआ था एट 51st इफ्फी। इफ्फी क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इफ्फी क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ज्यादातर लोग सी की तरफ जा रहे हैं। सी ऑप्शन क्या है? बिस्वजीत चटर्जी। बढ़िया, करेक्ट आंसर इज बिस्वजीत चटर्जी। और ये इफ्फी क्या है? इफ्फी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो फिल्म फेस्टिवल होता है इसमें आपका बॉलीवुड भी इन्वॉल्व होता है, बट उसके साथ साथ एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें गवर्नमेंट का भी देखने को मिलता है। इसमें गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये जो बॉडी है इट इज बैक्ड बाई, बैक्ड मतलब सपोर्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मिनिस्ट्री इसको डील करती है। आपका दूरदर्शन वगैरह भी यही मिनिस्ट्री डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए हमारा टारगेट रहता है ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर करा सके, लेकिन हमारे पास भी देखिए 24 घंटे हैं, तो उसमें जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है हम इस टाइम आपके लिए अलर्ट हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपका जो एग्जाम है बिल्कुल बिल्कुल पीक टाइम पर आ चुका है, तो इस टाइम हम भी अलर्ट हैं, तो आपको भी अलर्ट होना है। तो आपके साथ साथ ये मान के चलिए कि आपके और भी कई कलीग्स होंगे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप चाहें तो उनके साथ भी हमारा ये कंटेंट शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी उस चीज का फायदा उठा सके। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपसे बस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? बिस्वजीत चटर्जी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये सपोर्टेड है। तो अब ये बताइए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर? रविशंकर प्रसाद नहीं है? रविशंकर प्रसाद कैसे लगे आपको? उनका तो टाइम चला गया, वो बेचारे ट्विटर बंद कराते कराते खुद ही चले गए। ज्यादातर लोग अनुराग ठाकुर का नाम ले रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इज अनुराग ठाकुर। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है आपका? अनुराग ठाकुर, करेक्ट आंसर है। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, थोड़ा सा ये अनअरेंज फॉर्म में है। हाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इस पैटर्न का सवाल मान के चलिए एक या दो तो आने आने फिक्स हैं। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बर्ड सेंचुरीज हो गए, ये आते रहते हैं। नेशनल पार्क का तो मैंने आपको पीडीएफ दे ही दिया है, उस आप लोग जो मेरे क्लासरूम में थे उनको तो मैंने शेयर कर दिया था, बाकी यहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा, धीरे धीरे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो नेशनल पार्क तो आप सारे कर लीजिए, 104 हैं कुछ, वो 100 प्लस हैं, सारे नहीं करने, 50-60 जो इंपॉर्टेंट है वो कर लीजिए। उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, वो सिर्फ वही करिए जो न्यूज में ज्यादा रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर थ्री, नागी नागती बर्ड सेंचुरी, ये कहां पर है? नागी नागती बर्ड सेंचुरी ये कहां लोकेटेड है? चार ऑप्शन है, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान। झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान। नागी नागती बर्ड सेंचुरी कहां पर है आपका, बताइए। सनी रानी करेक्ट आंसर, और लोग बताइए। गीगी जी बिहार, रश्मि जी बिहार, बिहार, बढ़िया, ठीक है, ज्यादातर लोग बिहार कर रहे हैं। देखिए और भी लोग कमेंट कीजिए, 100 प्लस लोग कनेक्टेड हैं लेकिन सबके कमेंट नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है कि आप बिल्कुल आराम से परम आनंद में जाके इसको देखें, अलर्टनेस चाहिए इसके साथ। ये जो आपको पोस्ट डेजिग्नेटेड है, वो पोस्ट आपको अलर्टनेस ही तो देगी। आपको जब पुलिस में जाएंगे आप, या फिर किसी ब्यूरोक्रेसी में कोई भी काम पे जाएंगे, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अलर्टनेस। तो वो अलर्टनेस अभी से डेवलप करिए, एटलीस्ट आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कोई पहचान लेगा गलन कमेंट करने पे, तो ऐसी दूसरे नाम से आईडी बना के आ जाइए। जैसे कोई पर्सन है विल बैक सून, वो तो सारे आंसर देते हैं, अब पता नहीं वो कौन है लेकिन आंसर बढ़िया देते हैं। आज तो नहीं दिख रहे हैं, शायद आए नहीं आज। विल बैक सून है आप? अगर विल बैक सून आप हो तो कमेंट कीजिए। चलिए, ज्यादातर लोग बिहार की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? बिहार। वैसे आज ज्यादा करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। तो नागी नागती बर्ड सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज, कहां पर लोकेटेड है? बिहार में। इसी तरह से बर्ड सेंचुरीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ मान के चलिए जो जो एग्जाम में, वो जो आपका करंट अफेयर्स में ज्यादा पूछे रहेंगी, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि डैम्स हो गए, सेंचुरीज, ब्रिजेस, ये सब कितना पढ़ेंगे आप, बहुत हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में आ जाता है। करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, एक किताब है गेजिंग ईस्टवर्ड्स, गेजिंग ईस्टवर्ड्स। गेजिंग का मतलब क्या होता है? गेजिंग का मतलब होता है देखना, घूरना, ठीक है। ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट साइड घूर रहे हैं। अब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इंडिया के ईस्ट में क्या मिलेगा आपको? ईस्टवर्ड चलते जाएंगे तो फिर आपको साउथ ईस्ट एशिया मिलेगा, चाइना मिलेगा, तो ये सारी कंट्रीज मिलेंगी। तो गेजिंग ईस्टवर्ड, इस किताब में बात किसकी है? बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। एक तरीके से ये चाइना की हिस्ट्री से रिलेटेड किताब है, गेजिंग ईस्टवर्ड्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना। तो बुद्धिज्म इन चाइना और वहां पे क्या क्या रेवोल्यूशनरीज रहे हैं चाइना में, एक तरीके से पूरी चाइना की हिस्ट्री से रिलेटेड किताब है ये। अब हिस्ट्री से रिलेटेड किताब है तो ऑब्वियसली किसी हिस्टोरियन ने ही लिखी होगी। तो चार ऑप्शन है, इसके जो हिस्टोरियन है बहुत फेमस है, चार ऑप्शन है, नीलाद्री भट्टाचार्य, चिन्मय सी ऑप्शन, रोमिला थापर,
आकर पटेल। चार ऑप्शन है आपका, नीलाद्री भट्टाचार्य, चिन्मय तुम्बे, रोमिला थापर, आकार पटेल। तो गेजिंग इस वर्ड एक किताब है, इसके ऑथर का नाम बताना आपको, इस किताब के ऑथर कौन है इन चारों में से, ए बी सी डी। वीडियो आप डाउनलोड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इसको फेसबुक पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आप वहां से रिकॉर्डेड दे सकते हैं। बाकी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे फेसबुक का वीडियो डाउनलोड हो जाता है, आप उनको ट्राई कर लीजिएगा, वरना फेसबुक तो ऑप्शन नहीं देता है डाउनलोड करने का। हाँ जी, लोग क्या कह रहे हैं, सी आंसर की तरफ जा रहे हैं, रोमिला थापर ज्यादातर लोग कह रहे हैं। तानिया जी हो गए, अंगा जी हो गए, निकी स्ट्रा हो गए, फामसा हो गए, मोंगलांग हो गए, हिमावारी, आप सब लोग क्या कह रहे हैं, सी आंसर कह रहे हैं। और लोग बताइए, आकार पटेल लग रहा है किसी को, आकार पटेल, कितने लोग आकार पटेल के साथ एग्री कर रहे हैं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं। एक ऑफिसर मेजॉरिटी को नहीं सोचता है, एक ऑफिसर मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं चलता, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो ये याद रखिए, ऑफिसर मेजॉरिटी पे नहीं, फैक्ट पर चलता है। आप सब लोग रोमिला थापर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी चलो रोमिला थापर लगा देंगे। चलिए मैं आकार पटेल के साथ जाना चाहूंगा, कितने लोग आकार पटेल के साथ हैं। अब देखो है, ये होता है मैनिपुलेट करना। अब कुछ कुछ लोग डी आपका बोल रहे हैं, डी को थोड़ा सपोर्ट करा तो कुछ लोग डी की तरफ आ गए। अब कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि ज्यादातर लोग सी बोल रहे हैं, सर डी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इनमें गड़बड़ है, ए या बी करेक्ट होगा, कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं। चलिए तो अब करेक्ट आंसर बताते हैं, इस बार मेजॉरिटी सही है, करेक्ट आंसर इज रोमिला थापर। गेजिंग इस वर्ड्स किसने लिखी है, रोमिला थापर ने लिखी है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं टाइम मैं इसलिए भी देता हूं ताकि आप डिस्कस करेंगे ना, तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। कल आप अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि गेजिंग ईस्टवर्ड्स किसकी किताब है, तो अब आपको थोड़ा सा याद रहेगा, और यही चीज अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वो भूल जाएंगे, क्योंकि रिटन फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, उन रिटन फैक्ट्स को एब्जॉर्ब करना वही टारगेट है हमारा लाइव क्लास कराने का। इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिश करिए लाइव क्लास अटेंड करिए, अगर पॉसिबल है तो लाइव क्लास ही करिए, क्योंकि लाइव में आप इंटरेक्ट होते हैं, तो ट्राई किया जाता है कि आपको क्लास में ही चीजें एब्जॉर्ब करा दी जाएं, आपको अलग से एफर्ट नहीं देना पड़े। अगर देना भी पड़ेगा तो रिवीजन में थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, फिर ये याद हो जाएगा। गेजिंग इस वर्ड्स किसने लिखी, रोमिला थापर। रोमिला थापर एक रेनाउंड हिस्टोरियन है, पद्मा अवार्डेड है, और ये किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है रोमिला थापर? रोमिला थापर किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है बताइए, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, काफी न्यूज में रहती है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। अच्छा मूवमेंट कम करूं, चलिए ठीक है मूवमेंट कम कर देता हूं। तो बताइए रोमिला थापर किस यूनिवर्सिटी से है, वताशी कह रहे हैं बीएचयू, प्रियाला कह रहे हैं जेएनयू, गांधी कुदेक कह रहे हैं जेएनयू, मोंगला कह रहे हैं जेएनयू, जेदू भाई ओ माय गॉड जामिया भी कह रहे हैं। करेक्ट आंसर इज जेएनयू, रोमिला थापर जेएनयू से हैं। जेएनयू की फुल फॉर्म, जेएनयू की फुल फॉर्म वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी, इतना याद रख लेंगे काफी है। जेएनयू फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, टॉप वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यहां पर मास्टर्स कोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं जेएनयू के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ऑथर ऑफ द बुक गेजिंग इस वर्ड्स हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव ढूंढ रहा हूं, फाइव मिल गया, फाइव।
अच्छा आप नोटिस करिएगा, रोज हम कुछ ना कुछ डीआरडीओ से रिलेटेड जरूर डिस्कस करते हैं, तो कोशिश रहेगी डीआरडीओ से रिलेटेड सारी बातें आपके दिमाग में भर दी जाए। क्योंकि डीआरडीओ काफी ज्यादा वेपन्स बनाता रहता है और उन सब के पूछे जाने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं और वो याद भी मुश्किल से होते हैं, तो इसीलिए रोज एक एक सवाल भी हम डीआरडीओ का कर लेंगे, तो मान के चलिए अगर डीआरडीओ से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई सवाल आ गया तो गारंटेड आपसे हो जाएगा। एक बाइक एम्बुलेंस बनाई है डीआरडीओ ने जो सीआरपीएफ यूज कर रहा है, उसका नाम बताना है। चार ऑप्शन है, शक्ति, अग्नि, शर्मा, रक्षित। शक्ति, अग्नि, शर्मा, रक्षित, तो बताइए जो बाइक एम्बुलेंस बनाई है डीआरडीओ ने उसका क्या नाम है। नॉट विजिबल, नॉट विजिबल के लिए देखिए एक बार आप सेटिंग्स में जाइए और वीडियो क्वालिटी 720 पिक्सल कर लीजिए, क्योंकि मैं भी इसको साथ ही साथ में लैपटॉप में कनेक्ट करके रखा हूं, यहां पर क्लियर विजिबल हो रहा है। अगर किसी और को भी विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही हो तो उसको बताइए, बाकी आप एक बार अपना सेटिंग्स चेक करिए लाइव क्लास का, उसमें 720 पिक्सल सेट कर लीजिए, हो जाएगा क्लियर। ओके, तो मेजॉरिटी डी की तरफ जा रही है, मेजॉरिटी क्यों सभी जा रहे हैं डी की तरफ, अगर चार लोग डी बोल देते तो पांचवा पक्का डी जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, बाइक एम्बुलेंस किसने बनाई, डीआरडीओ ने, उसका नाम क्या, रक्षित। डीआरडीओ की फुल फॉर्म एक बार जल्दी से लिख दीजिए, डीआरडीओ की फुल फॉर्म, डीआरडीओ की फुल फॉर्म जल्दी से बता दीजिए। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो विल बैक सून इज नाउ बैक। ओके, जुंगे सोरा अभी कह रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बढ़िया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये इसको यूज कौन कर रहा है, रक्षित को यूज कौन कर रहा है, रक्षित इज, इट इज इंडक्टेड बाई सीआरपीएफ। सीआरपीएफ किसका पार्ट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और किसके अंडर आती है ये, होम मिनिस्ट्री। ये सब चीजें याद रखिएगा, सीआरपीएफ किसके अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म नहीं पता तो तुरंत गूगल कर दीजिए, तुरंत मिल जाएगा आपको आंसर खट से। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म लिख दीजिए जल्दी से, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म लिखिए, सीआरपीएफ इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बढ़िया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किसका फुल फॉर्म है, सीआरपीएफ का, और ये किसका पार्ट है, सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आप लोग में कई लोग अप्लाई भी किए होंगे इसके लिए, सीएपीएफ बहुत बढ़िया जॉब है। ओके, अच्छा एक बात बताइए मेरे को, एक है आसाम राइफल्स, आसाम राइफल्स बताइए किसके अंडर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है या फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर या दोनों के अंडर, आसाम राइफल्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आसाम राइफल्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है केस, मोटा भाई। बोथ, बढ़िया। आपका होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के अंडर आता है, जो भी उसका ऑपरेशन होता है आसाम राइफल्स का, कि कहां पर उनको ऑपरेट करना है, कहां पर क्या टास्क परफॉर्म करना, वो सब तो डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करेगा, और जो सैलरी होता है सैलरी होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है। तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पर भी डिबेट चलती रहती कि जल्दी से डिसाइड कर लो, एक मिनिस्ट्री के अंडर डाल दो आसाम राइफल्स को भी, बट अभी भी किया तो नहीं गया, जब किया जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। चलिए,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके साथ साथ आप लोग अपना अरुणाचल जीके पे भी कमांड बनाइए, कुछ दिनों में आपका अरुणाचल जीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जो क्लास में थे उनको तो मैंने आपका 12 क्विजेस तक प्रोवाइड कर दिया था, उसके आगे की भी क्विज मैं बना रहा हूँ, 3 क्विजेस और बना लिए, धीरे धीरे और सारी क्विजेस आपकी बन जाएंगी, तो उनको भी क्वेश्चंस लगाइए, उससे भी आपके सवाल आएंगे। अरुणाचल जीके में तो मान लीजिए जितना हमने बना दिया उससे बाहर शायद ही कुछ पूछे, बाकी मेजोरिटी चीजें तो हमने कवर कर ही रखी हैं। कुछ बेसिक बेसिक सवाल है वो पूछ लेता है, जैसे आपका फर्स्ट सीएम पूछता रहता है, अरुणाचल के फर्स्ट सीएम जल्दी से बता दीजिए कौन है, अरुणाचल के फर्स्ट सीएम पीके टोटो सिदम जी, आपने शायद स्पेलिंग गलत लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए, स्पेलिंग आपका गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुची, ये वो ब्रांड वाला गुची नहीं है, गुची या फिर कह लीजिए मोरेल मशरूम। ठीक है, इनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, गुची या फिर कह सकते हैं मोरेल मशरूम्स, इनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। पहला है ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, किस स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है लद्दाख, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, जीआई टैग आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं गुची या फिर मोरेल मशरूम्स, ए पी सी डी कौन सा ऑप्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर रहे हैं आप पर ऑप्शन में, जीरो जेन। ओके, तो ज्यादातर लोग सी के साथ, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ जम्मू एंड कश्मीर के साथ जा रहे हैं, कुछ हिमाचल के साथ जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी जनता जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जा रही है, चलिए हम भी मेजॉरिटी की बात मान लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जीआई टैग क्या होता है, जीआई का मतलब होता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऐसा होता है कोई भी चीज मान लीजिए किसी एक एरिया में बहुत ही स्पेसिफिक होती है, किसी एरिया की फेमस होती है, जैसे बनारस, आप यूपी में आएंगे तो बनारस की साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसी आपका कश्मीर में चले आएंगे तो पश्मीना शॉल बहुत फेमस है, तो किसी एरिया की कुछ आर्ट कल्चर या फिर कोई क्रॉप वहां पर स्पेसिफिक मिलती है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, एक टैग दे देते हैं कि वो अगर कभी आगे प्रमोट होगी तो कोई दूसरा पर्सन उसको प्रमोट नहीं कर पाएगा, एक तरीके से पेटेंट लग गया ये, तो वो पेटेंट हो गया, तो किसके लिए हो गया ये, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आपका जो गुची और मोरल मशरूम्स हैं, अब इसको कौन प्रमोट कर पाएगा, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर प्रमोट कर पाएगा, बाकी लोग इसको नहीं प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका जीआई टैग का काम। अच्छा, जीआई टैग से रिलेटेड भी सवाल आते रहते हैं, तो इसकी भी पीडीएफ है हमारे पास, उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार मिल जाएगी आपको। जीआई टैग में अरुणाचल से रिलेटेड एक सवाल आ जाता है कि अरुणाचल में किस चीज को, एक फ्रूट है किस, उसको जीआई टैग मिला है, तो आप बता सकते हैं किसको मिला है जीआई टैग अरुणाचल में, एक ऑरेंज है, उस ऑरेंज का नाम बता दीजिए। चलिए ऑरेंज तक तो मैंने बता दिया, इसको जीआई टैग मिला है, तो क्या नाम है उसका,
ऑरेंज तक तो मैंने बता दिया, ऑरेंज का नाम, ऑरेंज के आगे भी कुछ लिखते हैं, वाक्रो ऑरेंज, बढ़िया, वाक्रो ऑरेंज। ऑरेंज क्यों लिख रहे हैं आप लोग, से पूरा नाम लिखिए। हाँ, वाक्रो ऑरेंज, ठीक है। तो वाक्रो ऑरेंज आपको कहाँ के हैं, ये अरुणाचल के हैं। तो अरुणाचल जीके में ये सवाल बहुत कॉमन है, पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल की किस क्रॉप को जीआई टैग मिल रखा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वाक्रो ऑरेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, और जो पिछले हमने क्वेश्चंस करे थे उनका आप नोट्स बना लीजिए, साथ ही साथ करते रहिए। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वो लोग पिछले दो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, दो क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी वो लोग विजिट कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, जिस जगह से भी, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी, जिस ऐप से भी, टेलीग्राम वगैरह पे आप देख सकते हैं, कहीं पर भी क्वेश्चंस मिले ज्यादा से ज्यादा फुलफिल करने हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, बस ये टारगेट बना लीजिए। इस टाइम पढ़ने पे कम ध्यान देना है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही परफॉर्म करने हैं, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वो प्रैक्टिस आपकी डेवलप होना चाहिए। और एग्जाम तो आपको देखिए निकालना है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, और मुझे लगता है आप लोग भी अगर इतना लाइव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी चाहते हैं एग्जाम निकले। लेकिन कई बार हमसे बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपैक्ट कर जाती हैं। और वो माइन्यूट मिस्टेक्स का रीजन क्या होता है, हम चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं कि एट द मोमेंट हमें करना क्या है। अगर आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन आ गया आपसे कह रहा है चलो आज घूमने चलते हैं, कल से पढ़ाई कर लेना, बस वहीं पर चीज गड़बड़ हो गई। आपने प्रायोरिटी किसको दे दी, घूमने को। तो अगर आप प्रायोरिटी पढ़ने को नहीं दे रहे हैं तो एग्जामिनर भी आपको क्यों प्रायोरिटी दे, कॉम्पिटिशन भी आपको क्यों प्रायोरिटी दे। तो प्रायोरिटी आपको खुद से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये गोल हमें, ये कोट हमेशा याद रखिएगा, सेट प्रायोरिटीज गेट गोल्स, ये मेरा बनाया हुआ है, ये कॉपी नहीं है कहीं से, छोटा सा है, सेट प्रायोरिटीज गेट गोल्स, छोटी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है, आपके हमेशा काम आएगी। आपका जो एम है उसके लिए आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी देखिए कि आपके पास प्रायोरिटी क्या है। आपको नींद लग रहा है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट जी आपकी भी बात हो रही है यहां पर, आपको ज्यादा नींद लगता है, ठीक है। तो अगर आपको नींद ज्यादा लग रहा है और अगर आप पढ़ने की जगह सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आप खुद देख लीजिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नींद लग रहा है, कुछ नहीं करना है, आंखों पे बार बार पानी मारिए, कॉफी पीजिए, एक 15 मिनट का नैप ले लीजिए, इस तरह के काम करिए और फिर से एक्टिव हो जाइए। एक्चुअल में पढ़ाई के टाइम पे जो नींद लगता है ना वो एक्चुअल नींद होता ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, 6-8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो पढ़ाई के टाइम जो नींद आ रहा है वो बस एक डमी नींद है, डमी स्लीप है। उसके लिए आप अगर 5-10-15 मिनट का नैप ले लेंगे तो उसी नैप से जब आप दोबारा से एक्टिव उठेंगे तो बिल्कुल एक नई फ्रेश आपको माइंड मिलेगा, फिर आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको अपना पढ़ने का ड्यूरेशन बढ़ाना है कि अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा है मैं सिर्फ 1 आवर बैठ पा रहा हूं तो मैं क्या करूं, तो जब भी 1 आवर के बाद आपको लगे कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो अपने माइंड से बोलिए बस 5 मिनट और। दिमाग इतना समझता है, साइकोलॉजी से ऐसे ही खेलते हैं, 1 घंटा आपने पढ़ लिया अब आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, अब आप दिमाग से कीजिए बस 5 मिनट और। तो बस यही 5 मिनट और करते करते आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। ऐसी अगर 5 मिनट बढ़ गए तो अब आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे हो जाएगी 1 आवर 5 मिनट। अब इतनी कैपेसिटी हो गई, अगली बार फिर बोल दीजिए 5 मिनट और, तो अब हो जाएगा 1 आवर 10 मिनट। ऐसे करते करते आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप नए हैं पढ़ने वाले तो ये नहीं सोचेगा कि आज ही मैं बैठूंगा कल से बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाऊंगा, टॉपर मटेरियल बन जाऊंगा। टाइम लगता है चीजों को सेटल होने में, टाइम लगता है। अपने साथ अपने आप पर एट्रोसिटीज मत कीजिए, आप स्ट्रगल कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, लेकिन अपने आप को हरास मत कीजिए, जबरदस्ती अपने आप को पुश मत कीजिए। पुश होता है इंसान धीरे धीरे पुश होता है, तो अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चीजों में। मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चीजों को अपडेट करने की। ऐसा भी होना चाहिए कि आज एक 1 आवर पढ़ पा रहे हैं कल सिर्फ 30 मिनट पढ़ पा रहे हैं, तो वो चीज कंटिन्यूस आपको बनानी पड़ेगी। चलिए ओके,
पबजी का एडिक्शन कैसे खत्म करें? बस अनइंस्टॉल कर दीजिए, खेलना छोड़ दीजिए और अपने आप एडिक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए एडिक्शन आप खुद पैदा करते हैं, वो कोई एडिक्शन एडिक्शन कुछ नहीं होता है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली एक बार पबजी अनइंस्टॉल कर दीजिए और जब भी पबजी खेलने का मन करे तो आप खुद उस टाइम ये इमेजिन कर लीजिए कि मेरे लिए इस टाइम क्या जरूरी है। जब भी पबजी खेलने का मन करे इमेजिन कर लीजिए कि मेरे लिए जरूरी क्या है, पबजी जरूरी है या एग्जाम निकालना जरूरी है। तो उस टाइम आप जो प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे उसी गोल की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। पबजी खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में पबजी ही खेलना है या फिर आगे कुछ बनना भी है। तो ये डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अभी हम लोगों ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया और रफाल के बीच एक्सरसाइज देखी थी, याद है कुछ कोड नेम? एक क्वेश्चन करा था हम लोगों ने कि इंडिया और फ्रांस के जो रफाल फाइटर्स हैं, क्योंकि रफाल फाइटर्स अब हमारे पास भी हैं और हमने कहां से मंगाए हैं, फ्रांस से मंगाए हैं, तो उन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज पड़ी थी जो कि हमने देखा था जोधपुर में हुई थी और उनके बीच में जो वार गेम्स हुए थे उसका कुछ कोड नेम था, याद है? डेजर्ट नाइट तो एक्सरसाइज का नाम है जो क्वेश्चन है अभी। चलिए एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ये किस किस के बीच हो रही है? इंडिया के बीच और एक ऑप्शन है जापान, वैसे ये तो मैंने बता ही दिया है, दूसरा ऑप्शन है रशिया। एक बार आप और कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। डी ऑप्शन इंडोनेशिया, जापान, रशिया, फ्रांस और इंडोनेशिया। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किस किस के बीच हो रही है? इंडिया और चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। कोड नेम था स्काई रॉज। कोड नेम था आपका स्काई रॉज, बढ़िया। तो लिख दूं फिर मैं, करेक्ट आंसर इज फ्रांस। आसान सा सवाल था, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहे हैं इसको, इसी से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते वो सब हम ट्राई कर रहे हैं डिस्कस कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास होगा, विमेन सिंगल टाइटल्स किसने जीता? अभी एक टूर्नामेंट हुआ था आपका, थाईलैंड ओपन, थाईलैंड ओपन ये गेम था, इसमें बैडमिंटन का गेम हुआ था, उसमें विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? चार ऑप्शन है, नोजोमी, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरा नाम आपके पास है, कैरोलिना, चेन, मिशेल, करेक्ट आंसर बताइए। नोजोमी, कैरोलिना, चेन और मिशेल, करेक्ट आंसर बताइए। कैरोलिना मारिन, ठीक है। सानिया मिर्जा कहां से आ गई? सानिया मिर्जा ऑप्शन में नहीं है, अच्छा हुआ एग्जामिनर आप लोगों को ओएमआर ही देता, अगर आप लोगों को सिर्फ आंसर शीट दे देना तो ए बी सी डी में से अलावा भी और भी ऑप्शन लिख देंगे आप, तो वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या हो गया। ओकुहारा नहीं है, कैरोलिना करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज कैरोलिना। अच्छा ये बता दीजिए कैरोलिना किस कंट्री से बिलोंग करती है? कैरोलिना किस कंट्री से बिलोंग करती है ये भी बता दीजिए।
कैरोलिना किस कंट्री से बिलोंग करती है? ज्यादातर लोग कह रहे हैं स्पेन, ठीक है। हाँ, करेक्ट आंसर आपका स्पेन। कैरोलिना बिलोंग करती है स्पेन से। स्पेन की कैपिटल, स्पेन की कैपिटल कौन बताएगा? स्पेन की कैपिटल, देखिए हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे ना, तो स्पेन और पोर्टुगल इनका अपना अलग ही लेवल का हिस्ट्री था। जब हम पढ़ते हैं कि यूरोपियन रेनासा, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो लोग पढ़ते हैं, यूरोपियन रेवोल्यूशन जब हुआ था, तो एक टाइम पर जब इंग्लैंड और फ्रांस ये सबसे पावरफुल कंट्रीज बने थे यूरोप के, तो इधर इंग्लैंड भी कॉलोनाइजेशन करता जा रहा था, फ्रांस भी करता जा रहा था, और भी पावर्स थी, ये दो मेन पावर थी। लेकिन इनसे पहले भी दो बड़ी पावर्स निकली थी, उसमें से एक था आपका स्पेन और एक था पोर्टुगल। पोर्टुगल का तो इंपॉर्टेंस हमारे साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि पोर्टुगल्स आप मान के चलिए इंडिया में सबसे पहले आए थे। जितने भी अगर आप यूरोपियंस देखेंगे तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पोर्टुगल्स थे। और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पोर्टुगल्स से। तो करेक्ट आंसर लोग बता रहे हैं मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अच्छा, पोर्टुगल्स में एक बात बताइए, कौन सा पर्सन इंडिया आया था सबसे पहले? उसको कहते हैं इंडिया को खोजने वाला, फाउंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हालांकि फाउंड क्या किया था उसने, इंडिया, यूरोप से इंडिया आने का रास्ता ढूंढा था। तो क्या नाम था उसका? पोर्टुगल से जो पर्सन इंडिया आया था, क्या नाम था? वामोस, वास्को डी गामा। करेक्ट आंसर इज वास्को डी गामा। ऑल राइट, वास्को डी गामा इज करेक्ट आंसर। किस ईयर में आया था वास्को डी गामा इंडिया? वास्को डी गामा इंडिया किस ईयर में आया था? गामा, बढ़िया, गामा से भी याद रख सकते हैं, गामा गामा। एमबी खत्म हो गया, जल्दी से रिचार्ज कर लीजिए फिर। वेरी गुड, हॉलू जी कह रहे हैं 1498, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है हिंदुस्तान के इतिहास की। यूरोपियंस आना स्टार्ट हो गए थे, वास्को डी गामा आया था इंडिया। चलिए फिर इसमें फिर और कुछ, बहुत कुछ है बताने को, धीरे धीरे उससे रिलेटेड भी देखेंगे। अब ये कौन सा क्वेश्चन था? शायद ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब हम 9 पे आते हैं। ओके, कैरोलिना से कहां तक पहुंच गए हम लोग? वास्को डी गामा तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 वही रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली शायद ये रिपीट हो गया है, ये सेम वही एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? वही एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। ये किस किस के बीच में हो रही है? इंडिया और फ्रांस के बीच हो रही है। इनके जो वार गेम है उसका कोड नेम क्या था? स्काई रॉस। इनके जो वार गेम हुए थे उसका कोड नेम क्या है? स्काई रॉस। अच्छा, ये किस किस के बीच हो रही है? रफाल फाइटर्स, ठीक है, बिटवीन रफाल फाइटर्स। इंडिया के पास भी रफाल फाइटर्स हैं और फ्रांस के पास भी रफाल फाइटर्स हैं। अच्छा, ये जो रफाल फाइटर्स है ये फ्रांस से हमने मंगाए हैं, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? रफाल फाइटर्स किस कंपनी ने बनाए हैं? क्वेश्चंस आपको अमरजीत सर ने ग्रुप में डाल दिए हैं, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिला हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे लगभग क्वेश्चन तो मैं बताता ही चल रहा हूं, बट जो फुल क्वेश्चन की लेंथ है वो आपको उसमें मिल जाएगी रिटर्न। ठीक है, करेक्ट आंसर डसॉल्ट बता रहे हैं। टाइटैनिक, टाइटैनिक कहां से आया, कौन सा शिप में आया था? अरे ये कहां पहुंच गया, कौन सा शिप में आया था? टाइटैनिक चल गया। ओके, तो डसॉल्ट कंपनी का नाम क्या है? रफाल फाइटर्स बनाने वाली कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। अच्छा, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8,
अब थोड़ा सा कुछ इसका पीडीएफ का भी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था, ये आपका जो विमेन सिंगल टाइटल्स वाला है ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका डेजर्ट नाइट वाला था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए 10th वाला भी फिर से उसी टॉपिक पे रिलेट होके आ रहा है, इफ्फी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा था पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बिस्वजीत चटर्जी को इफ्फी में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, वेयर वाज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी हेल्ड, कहां पर हुआ था। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पणजी, पणजी इज इन गोवा, ऑप्शन डी कोची। तो 51st इफ्फी कहां पर हुआ था आपका, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मुंबई, जयपुर, पणजी, कोची, कहां पर हुआ था। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो ज्यादातर लोग किस पे आ रहे हैं, ज्यादातर लोग बता रहे हैं आंसर गोवा। बढ़िया, गोवा जहां पर लोग ट्रिप बनाते हैं और बना के वहीं पर दफन कर देते हैं, ट्रिप बन जाती लेकिन जा नहीं पाते ज्यादातर लोग। आप लोग में से कई लोग घूमने गए भी होंगे गोवा, कोई गया है तो मेंशन कर सकता है उस चीज को कमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, पणजी। तो 51st इफ्फी कहां पर होता है आपका, पणजी में हो रहा है। इसी इफ्फी से रिलेटेड एक और सवाल बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, एक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है 51st इफ्फी में, एक फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, किस फिल्म को मिला है। चार ऑप्शन, पैरासाइट, द आयरिशमैन, जोकर, इनटू द डार्कनेस। पैरासाइट, द आयरिशमैन, जोकर, इनटू द डार्कनेस। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है। टोटो सिरम जी कह रहे हैं इनटू द डार्कनेस, लोब्स कह रहे हैं इनटू द डार्कनेस, निगुरी पैरासाइट कह रहे हैं, कार्तू जी इंटू डार्कनेस, गीगी इंटू द डार्कनेस। ठीक है, ज्यादातर लोग इंटू द डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। तो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसमें एक अवार्ड था गोल्डन पीकॉक अवार्ड, किस फिल्म को मिला है, ये मिला है इंटू द डार्कनेस को। करेक्ट आंसर इज इंटू द डार्कनेस। अच्छा, ये फिल्म किस कंट्री की, इंटू द डार्कनेस फिल्म जो है किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री ने बनाई है ये फिल्म। Into the Darkness किस कंट्री की फिल्म है, हिंट देता हूं, इंडिया की नहीं है और यूएसए की नहीं है, किसी और यूरोपियन कंट्री की है। चाइना नहीं है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्या है ये आप गूगल पे पढ़ लिएगा, मिल जाएगा आपको, वो डिस्कस करना जरूरी नहीं उसका। डैनिश, ओके हाँ, डैनिश तो वहां के रहने वाले हो गए ना आप जो डैनिश लिख रहे हैं।
पोलैंड, जर्मनी, अफ्रीका, रशिया, कोई कंट्री नहीं छोड़नी है डार्क कॉन्टिनेंट की। डार्क कॉन्टिनेंट से क्या मतलब है आपका? टोटल जी का आया करेक्ट आंसर डेनमार्क। ठीक है, ये किस कंट्री की पिक्चर है? डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की पिक्चर है इनटू द डार्कनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंडिया से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्योंकि इसमें डिफेंस भी है, इसमें पैट्रियोटिज्म भी है और इस क्वेश्चन में आपका विमेन एम्पावरमेंट भी है। तो एक क्वेश्चन कितने ज्यादा इमोशंस लेके आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही भावुक क्वेश्चन है, एग्जामिनर के लिए हर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, डिफेंस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, आपका विमेन एम्पावरमेंट हो, सबसे रिलेटेड है। तो पूछ रहा है फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट, फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट जो कि, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, फाइटर जेट पायलट जो कि टू बी पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टैब्लो इन रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, चार ऑप्शन, भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और डी ऑप्शन गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना तो पहली फीमेल फाइटर पायलट थी जिनको अभी क्या कहते हैं, जिनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, अभी नेटफ्लिक्स से बनाया था। तो फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट जो किसकी पार्ट थी, रिपब्लिक डे परेड में। इस साल जो 2021 में रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें जो पार्ट करने वाली फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट थी उनका नाम बताना है। करेक्ट आंसर बताइए। तो मेजॉरिटी इज गोइंग विद भावना कंठ। ठीक है, तो भावना कंठ के साथ मेजॉरिटी जा रही है, तो करेक्ट आंसर इज भावना कंठ। ठीक है, भावना कंठ, करेक्ट आंसर इज भावना कंठ। कब हुआ था? एक टैब्लो क्या होता है, टैब्लो कुछ एक कह सकते हैं एक सिग्निफिकेंस शो करता है, एक हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में टैब्लो को क्या कहते हैं, झांकी कहते हैं, हाँ झांकी जिसे कहते हैं। एक गाड़ी होगी, गाड़ी पे एक पूरा एक हाउस टाइप का बनाया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रिप्रेजेंट करता है। जैसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टैब्लो बनते हैं, आप अरुणाचल का भी टैब्लो देखते होंगे रिपब्लिक डे परेड पे। अच्छा, हर स्टेट का हर साल टैब्लो नहीं बनता क्योंकि इतने सारे स्टेट्स है, सबका टैब्लो बनाएंगे तो फिर परेड ही नहीं खत्म होगी। तो हर साल असाइन हो जाता है कि इस साल इस स्टेट का टैब्लो जाएगा, इस साल इस स्टेट का, कुछ ही स्टेट्स के टैब्लो जाते हैं क्योंकि उसके अलावा गवर्नमेंट कई स्कीम्स चलाती है, उनके टैब्लो बनते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, इनके टैब्लो होते हैं तो वो भी बनते हैं। तो इसी तरह से एयरफोर्स का जो टैब्लो था उसका पार्ट थी आपकी भावना कंठ। ठीक है, तो भावना कंठ इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए जो लोग अगर किसी का नाम का मजाक बना रहे हैं वो बहुत गलत चीज है, उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, किसी के भी नाम का मजाक नहीं बनना चाहिए। और खासतौर से ऐसे लोगों का जो नेशन की सिक्योरिटी की फ्रंट लाइन में, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो हम लोग इतना जो आज आराम से सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो ये सब हम नहीं कर पाते। तो उन लोगों को एटलीस्ट, अगर हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन उन लोगों के लिए, तो एटलीस्ट हम जो मिनिमम चीज कर सकते हैं उनको रेस्पेक्ट दे सकते हैं, और अगर रेस्पेक्ट भी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट साइलेंट रह सकते हैं, उनके अगेंस्ट एटलीस्ट कुछ मोकिंग तो नहीं कर सकते। तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। केबीसी में पार्टिसिपेट करें,
नंबर ही नहीं लगता केबीसी में। ऐसा लगता है कि थोड़ा आप जीएस जान जाए तो केबीसी में पार्टिसिपेट करने का फायदा होगा। ऐसा होता तो सारे जीएस के टीचर केबीसी में आपको दिखते हैं। केबीसी का अपना अलग ही टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहता है। हमारा जो क्वेश्चंस का वैरायटी रहता है वो अलग रहता है। हम वो क्वेश्चंस पकड़ते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, उसी में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जीएस का टीचर है तो दुनिया का हर सवाल का जवाब दे देगा। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ये भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड सवाल है। रिपब्लिक डे परेड पे क्या हुआ था? जैसे एक टैब्लू तो निकला जिसमें हमने बात करी इंडियन एयरफोर्स की भावना कंठ जी थी, वो पार्टिसिपेट करी थी। इसी तरह से इस बार एक कंट्री था उसकी ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन हुई थी। ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है? ट्राई सर्विस फोर्स का मतलब है कि एयर आर्मी भी है, नेवी भी है और एयरफोर्स भी है। पूरा उसका जो कंटिजेंट था वो पार्टिसिपेट किया था इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में। तो वो किस कंट्री की ट्राई सर्विस कंटिजेंट थी? तो आपको ऑप्शन ए मिल रहा है श्रीलंका, बी मिल रहा है भूटान, सी मिल रहा है बांग्लादेश, डी मिल रहा है नेपाल। ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट, ट्राई सर्विस फोर्स कंटिजेंट एक कंट्री की थी, उसने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में। रिपब्लिक डे परेड वो किस कंट्री की थी? चार ऑप्शन है, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर जल्दी से जल्दी लिखिए। ओके, तो ज्यादातर लोग किस पे जा रहे हैं? ज्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं किस पे? नेपाल पे कर रहे हैं। नहीं सॉरी, नेपाल पे नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ आ रहे हैं लोग। ओके, और लोग बताइए। आप फिर लिख रहे हैं भूल गया। भूल गया के बाद अगला आपका जो कमेंट आना चाहिए वो करेक्ट आंसर का आना चाहिए। आपने ये बता दिया आप भूल गए, अब आप क्या कर रहे हैं? आप फिर से उसको गूगल करेंगे, उससे देख के बताएंगे। ठीक है, बांग्ला आर्मी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था, बांग्लादेश की ट्राई सर्विस फोर्स। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस था इनका पार्टिसिपेट करने का? क्योंकि ये 2021 की परेड है, तो ये जो है अपना 1971 में जो वॉर लड़ा था उसके बाद 2021 तक, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा गया था जिसमें बांग्लादेश को आजादी मिली थी, बांग्लादेश नया कंट्री बना था। तो 1971 से 2021 इनको कितने साल हो गए? 50 इयर्स हो गए। तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को कितने इयर्स हो गए? 50 इयर्स हो गए। तो इसी 50 इयर्स को मार्क करने के लिए उनकी ट्राई सर्विस पार्टिसिपेट करी थी रिपब्लिक डे परेड में, वो 50 इयर्स मार्क करने के लिए। अच्छा, मेरे को एक कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? बांग्लादेश वाले अपना फादर ऑफ नेशन किसे मानते हैं, जिन्होंने लीड करा था इस पूरी बांग्लादेश की लड़ाई को? अच्छा, जब वॉर चल रही थी तो उस टाइम वो जेल में रहे थे, लेकिन उनके नाम पे लोगों ने रिवोल्ट करा था अगेंस्ट द बांग्लादेश, वो अगेंस्ट द पाकिस्तान। क्योंकि पहले सीन क्या था? पहले सीन कुछ ऐसा था, ये इंडिया था तो इधर साइड तो आपका पाकिस्तान था, और ये जो आज बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान था। ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान। ये लोग बंगाली बोलते थे, ये लोग उर्दू बोलते थे। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग ज्यादा डेवलप थे, तो ये क्या कोशिश करते थे? इन लोगों को सप्रेस करें, इनको राइट्स प्रॉपर नहीं देते थे।
तो इसीलिए जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट करा और उनको सपोर्ट मिला इंडिया की तरफ से। इंडिया ने पाकिस्तान से वॉर लड़ा और यहां पर पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश को फ्री कराया था। तो 1971 में वॉर हुआ था तो उसको 50 ईयर्स हो चुके हैं। उस 50 ईयर्स को रिमार्क करने के लिए उन्होंने हमारी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करा। तो मैं शेख मुजीबुर रहमान आपके फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के। चलिए अच्छा, इसमें एक सवाल और बन सकता है कि अभी रिसेंटली जब पैंडेमिक ओपन हुआ था, फर्स्ट वेव के बाद जब पैंडेमिक से सिचुएशन ईज आउट हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने पहली विजिट भी बांग्लादेश को ही करी थी, क्यों? इसी 50 इयर्स को याद करने के लिए, इसी 50 इयर्स को मेमोराइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने पहली विजिट भी बांग्लादेश को की थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पोस्ट पैंडेमिक प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेन विजिट पहली कहां की थी, तो वो पहली विजिट आपकी बांग्लादेश की थी, फिर उसके बाद दोबारा कहीं जा नहीं पाए, फिर लॉकडाउन लग गया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी है, मैंने सोचा था आज इसको टाइप करके यहां पर प्रेजेंट कर दूंगा तो बहुत आराम से हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा वही टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये क्वेश्चन आज हो नहीं पाया। खैर कोई नहीं, करते हैं हम लोग। जनवरी 21 में UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन। ऑप्शन ए कह रहा है एलिमिनेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बी ऑप्शन कह रहा है सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स, सी ऑप्शन कह रहा है प्रमोट यूटिलिटेरियनिज्म, और डी ऑप्शन एलिमिनेट फीमेल इन्फेंटिसाइड। UNGA ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा, तो कौन सा रेजोल्यूशन था? कोरोना वैक्सीन का अपडेट आपको मिल जाएगा सारा, उससे रिलेटेड हम आपको एक पूरा मटेरियल बना देंगे, उसमें सब मिल जाएगा आपको, उसकी चिंता नहीं करिए। नहीं तो वैसे भी कोरोना वैक्सीन के बारे में अलग से बहुत भागने की जरूरत नहीं है, वो आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेफगार्ड रिलीजियस साइट्स। एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि तालिबान ने क्या करा था, जो अफगानिस्तान में बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर से उन्हें डेमोलिश कर दिया था, तो वहां से एक जो ये खबर, ये एक मूवमेंट चली थी कि ये बहुत न्यूज प्रमोट हुई थी कि तालिबान वाले या फिर जो भी कई टेररिस्ट लोग हैं वो लोग क्या करते हैं किसी साइट को डिमोलिश कर देते हैं, तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि वी विल सेफगार्ड रिलीजियस साइट। तो हालांकि इस रेजोल्यूशन से ऐसा नहीं है कि अब सारी रिलीजियस साइट सेफगार्ड हो जाएंगी, हाँ बस इंटरनेशनल लेवल पर बस एक कमिटमेंट बन गई, तो ये बस दिखावे वाली चीज होती है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद देखो UNGA में सेफगार्ड रिलीजियस साइट, इसके लिए कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान। इस पर इंडिया और पाकिस्तान की बहुत तू तू बे में हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे कि हाँ सही बात है, रिलीजियस साइट को सेफगार्ड करना चाहिए। तब इंडिया ने पाकिस्तान को रियलाइज कराया कि आपने हमारी कई क्या कहते हैं जो टेंपल्स हैं पाकिस्तान में, कई सारे टेंपल्स से उनको डेमोलिश किया गया, तब आप क्यों शांत बैठे थे, आज आपको एकदम से रिलीजियस साइट के राइट्स सेफगार्ड करने की बात याद आ रही है। तो इस पर इंडिया ने बहुत ज्यादा घेरा था पाकिस्तान को। अच्छा, इससे दो बातें पकड़ लीजिए। पहली चीज, UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है? ये किसका प्रिंसिपल ऑर्गन है? यूनाइटेड नेशन। बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर आपको जाना है, अदरवाइज आप खाना खाते टाइम भी रिकॉर्डिंग साथ ही साथ लाइव देख सकते हैं, ठीक है? UNGA ने जो अडॉप्ट किया था सेफगार्ड रिलीजियस साइट, UNGA किसका पार्ट है?
प्रिंसिपल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। यूनाइटेड नेशन में हर कंट्री का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट करेगा यूनाइटेड नेशन में। तो आपको बताना है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। अभी रिसेंटली चेंज हुए थे, पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, अभी रिसेंटली चेंज हुए, तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड नेशन में। आलोक शर्मा, नहीं आलोक शर्मा आपका कॉप 26 के प्रेसिडेंट बने, यूनाइटेड नेशंस कॉप 26 के प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा। आपको बताना है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया कौन है यूनाइटेड नेशंस में। आलोक शर्मा का नाम नहीं लिखिए, आलोक शर्मा आपका यूनाइटेड यूएन कॉप 26 के प्रेसिडेंट थे, मैं पूछ रहा हूं आपका यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, पहले आपके सैयद अकबरुद्दीन थे, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं लिख देता हूं, जैसे मोंगलांग जी ने करेक्ट लिखा, रश्मि जी अजीत कुमार नहीं है, गेगी जी पीएस नहीं है, टीएस है, ठीक है, टी फॉर तवांग वाला टीएस है, तो टीएस त्रिमूर्ति, टीएस पीएस भी भूल सकते हैं, मेन याद रखिए कौन है, त्रिमूर्ति है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, त्रिमूर्ति, इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखिएगा एग्जाम के रिलेटेड। चलिए इसके बाद इसको नोट कर लीजिए टीएस त्रिमूर्ति का नाम। फिर अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, हु वॉज द ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म विभूषण, क्वेश्चन नंबर 15। पद्म विभूषण, अभी जनवरी में रिपब्लिक डे था तो रिपब्लिक डे में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो इस बार भी पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री दिए गए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म विभूषण, उनको याद रखिएगा। पद्म विभूषण से रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी भी एलडीसी वगैरह हुआ था उसमें भी आए थे, और मान के चलिए एसआई हो या यूडीसी हो, उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरूर आएंगे। तो आप कुछ करें ना करें, जो 10 लोगों को पद्म विभूषण मिला है वो जरूर याद कर लीजिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं इसका पीडीएफ दे चुका हूं, बट आप लोग भी इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ये भी अपलोड हो जाएगा। तो आपको सॉरी, पद्म विभूषण तो सिर्फ 7 लोगों को मिला, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, उनके नाम याद करके जाइएगा। एक तो यही हमने पूछ लिए कि ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म विभूषण, 7 में से एक फॉरेनर थे, उनका नाम बताना है। इसका मैं ऑप्शन नहीं देना चाहता हूं, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए, ओनली फॉरेनर टू रिसीव पद्म विभूषण, क्या नाम है उनका, शिंजो आबे, करेक्ट। हाँ, पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, 10 को नहीं मिला है, 7 लोगों को मिला है। Who was the only foreigner to receive पद्म विभूषण, शिंजो आबे, करेक्ट आंसर इज शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है, किस कंट्री से, शिंजो आबे कौन है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, शिंजो आबे कौन है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से, जापान के पिछले प्राइम मिनिस्टर थे आपका शिंजो आबे, अब चेंज हो चुके हैं, फॉर्मर हैं ये, करंट नहीं है, करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के शिंजो आबे। शिंजो आबे को क्यों अवार्ड दिया गया होगा, इन्होंने इंडिया के लिए ऐसा क्यों किया, क्या किया ऐसा, एक्चुअली शिंजो आबे जापान से बिलोंग करते हैं, जापान के लीडर रह चुके हैं, और जापान से हमारे रिलेशन इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक दो चीजों को अगर छोड़ दें, जैसे एक एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है, वहां पर हमारा थोड़ा सा रिलेशन डाउन रहता है, उसको खरीदने को लेकर इंडिया उसको खरीदना चाहता है, बट वो प्राइस बहुत हाई रख रहे हैं तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं, और भी कुछ इश्यूज हैं, बाकी उनको हटा दे तो जापान से रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं, क्योंकि जापान की चाइना से नहीं बनती,
तो और हमारी भी चाइना से नहीं बनती, तो दोनों का जो अपोजिशन है, राइवल है, वो सेम है, तो इसलिए इंडिया जापान एक अच्छे दोस्त हैं। इवन ये हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये चारों आपस में मिलकर एक बॉन्डिंग भी बना चुके हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए ग्रुप बना चुके हैं जिसे कहते हैं क्वाड ग्रुप, ये उसके चार मेंबर्स हैं। और शिंजो आबे जापान के लीडर थे, तो इन्होंने अपने टाइम पे जब ये लीडर थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने क्या करा था, जैसे बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन आपको पता होगी मुंबई टू अहमदाबाद के लिए जो प्लान हुई थी, इसका भी शायद हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं कि बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्लान हुई थी मुंबई टू अहमदाबाद, तो उसकी भी जो फंडिंग है वो किसने दी है, शिंजो आबे ने दी थी, जापान की तरफ से फंडिंग आई थी, वो भी बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे, शायद 1% का कुछ इंटरेस्ट था, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे फंडिंग दी थी। इवन जापान क्वाड का पार्ट है और क्वाड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे लिए। आप मान सकते हैं जो आपका होलोंगी एयरपोर्ट बन रहा है ईटानगर में अरुणाचल में, जो पहला आपका कह सकते हैं एयरपोर्ट बनेगा, तो वो भी कौन फंड कर रहा है, ये क्वाड ग्रुप ही फंड कर रहा है, क्योंकि वैसे तो वर्ल्ड बैंक फंड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, लेकिन वर्ल्ड बैंक में हम अरुणाचल के लिए लोन नहीं ले पाते हैं, उसमें चाइना वीटू लगा देता है, तो चाइना हमें लोन लेने नहीं देता है, तो इसीलिए हम लोन कहां से लेके आए हैं, क्वाड से लेके आए हैं ईटन अरुणाचल वाला एयरपोर्ट बनाने के लिए। करंट अफेयर देखिए, जब तक आपका 22 अगस्त तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक तो हम नहीं रोकेंगे, हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे आपका करंट अफेयर्स, जितना क्वेश्चंस हो सकेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आपका करंट अफेयर्स करा के भेजेंगे आपको एग्जाम के लिए, तो वो आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, आप बस एक रूटीन मान लीजिए लाइफ का उस, और क्लास में आके बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया की रैंक बतानी है आपको, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक जर्मन थिंक टैंक है, वो ये रैंक निकालता है, इसमें आपको इंडिया की रैंक बतानी है, ऑप्शन ए 4th, बी 7th, सी 3rd, डी 9th, इंडिया की रैंक बतानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, बताइए। लोग कह रहे हैं 7th, गीगी कह रहे हैं 7th, मोंगलांग भी कह रहे हैं 7, सनी नानी कह रहे हैं 7, और लोग बताइए। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये एलडीसी का सवाल है, एलडीसी में पूछा था ये, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। रैंकिंग से रिलेटेड सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां भी रैंकिंग से रिलेटेड सवाल दिखे, अवार्ड से रिलेटेड सवाल दिखे, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल दिखे, उसको जरूर नोट कर लीजिए। एनवायरमेंट में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डैम से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे, उसको नोट कर लीजिए। करेंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन वही जो एग्जाम में पूछा जाए, आलतू फालतू बेकार का नहीं पढ़ना है। कई लोग क्या है, बस पीडीएफ भरने के लिए कुछ भी भर देते हैं, तो वो सब आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, क्योंकि आपका टाइम फालतू नहीं है, उसको यूटिलाइज करिए अपने पर्पस के लिए। चलिए, आप पब्लिक पोल के साथ जाएंगे, मैं देख रहा हूं आप बहुत देर से पब्लिक पोल को पकड़े हुए हैं। देखिए एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आप दूसरों से दूर बैठेंगे, वहां पर आपको पब्लिक पोल नहीं मिलेगा, तो यहां भी जो आपका आंसर हो वो आपका खुद का अपना होना चाहिए। कल अच्छा, अगर पब्लिक पोल पे आप इतना रिलाई करते हैं तो पब्लिक विटनेस है, कल आपको जब सैलरी मिलेगी तो इसी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, हाँ पब्लिक पोल पे इतना आप रिलाई कर रहे हैं। चलिए तो करेक्ट आंसर मैं बताता हूं, करेक्ट आंसर इज 7th, पब्लिक पोल सही है, तो आपकी पहली सैलरी जितने भी लोग लाइव हैं उनमें शेयर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ है,
अच्छा, कल हम लोगों ने एक इवेंट पढ़ा था इन स्टार्टअप इंडिया समिट। DPIIT ने एक स्टार्टअप इंडिया समिट कराई थी, उसमें एक इवेंट कराया था। क्या नाम था इवेंट का, जल्दी से बताइए। कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और सुबह और शाम कल दोनों क्लास में हमने DPIIT का डिस्कशन करा था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वो एक इवेंट करा रहे हैं, उसका नाम क्या था? अगला सवाल 1 करोड़ के लिए, बहुत सही। स्टैंड अप इंडिया, पहले तो आपने स्टार्टअप इंडिया को स्टैंड अप इंडिया बना दिया। शेड्यूल आपको आज मिल जाएगा, मैथ्स और जीएस का प्रॉपर एक शेड्यूल आज आपको बना हुआ मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। सीड फंड स्कीम नाम था, सीड इंडिया फंड स्कीम, ठीक है। हाँ, इवेंट का नाम था प्रारंभ, प्रारंभ मतलब टू इनिशिएट, उसी प्रारंभ से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 किससे रिलेटेड है? प्रारंभ से रिलेटेड। प्रारंभ में कि किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, यह पूछ रहा है। प्रारंभ, प्रारंभ में विच कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। ऑप्शन ए ब्रिक्स, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी बिम्सटेक। ये प्रारंभ इवेंट में किस किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था बताइए, ब्रिक्स, आसियान, ओपेक या बिम्सटेक, करेक्ट आंसर बताइए। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ब्रिक्स, आसियान, ओपेक और बिम्सटेक। बिम्सटेक के पार्ट आंसर क्या बता रहे हैं ज्यादातर लोग, तो ज्यादातर लोग जा रहे हैं, बढ़िया, ज्यादातर लोग आपका किसके साथ जा रहे हैं, बिम्सटेक के साथ जा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज बिम्सटेक। प्रारंभ जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही, 4 ऑप्शन थे, ब्रिक्स, आसियान, ओपेक, बिम्सटेक। इन सबका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, आगे की इनसे रिलेटेड कहानी हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा टाइम की कमी है, वरना इन चारों बॉडीज के बारे में डिस्कस करते। आप इनका कॉपी में गूगल से फुल फॉर्म जरूर लिख लेंगे। एक बार मैं बता भी देता हूं, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म में इसके सारे मेंबर्स का नाम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया। तो ये बहुत अच्छी कोटिंग है, इन्होंने क्या करा, कंट्रीज के नाम से ही फुल फॉर्म बना दी। ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन आ गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आसियान ये एसोसिएशन है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप होमवर्क पे एक काम कर सकते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके मेंबर कंट्रीज के बारे में पढ़ सकते हैं, स्पेशली आसियान, ब्रिक्स और बिम्सटेक। ओपेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और दूसरी चीज होमवर्क में आप कर लिएगा, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है। देखिए इंटरनेशनल बॉडीज एग्जाम में पूछता रहता है, लेकिन आप कितनी याद करेंगे, वो याद करिए जो आपको करंट अफेयर्स में दिख जाए। ये 4 दिख गई, इनके बारे में लिख लेंगे, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और कौन है, ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आपका ओपेक हो गया। और करेक्ट आंसर क्या था, बिम्सटेक, बिम्सटेक की फुल फॉर्म है
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। थोड़ा सा लंबा फुल फॉर्म है लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारी बॉडीज, एक्चुअली सारी बॉडीज इंपॉर्टेंट है, तो फुल फॉर्म तो मिल जाएगा इसमें, वो फुल फॉर्म तो मैंने लिख दिया है। आपको क्या करना है, इनके कंट्रीज के नाम की इसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं प्लस उनके हेडक्वार्टर से आपको खुद से देख के एक बार लिख लेने हैं। तो करेक्ट आंसर था आपका बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको, क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एक्चुअली आज इसी में हमारा यही प्लान था कि आपका पीडीएफ भी बना देंगे प्लस सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे तो लिखने वाला झंझट खत्म हो जाता, बट वो चीज आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि उसमें आज मेरा काफी टाइम कंज्यूम हो गया लेकिन वो आज मैं अपलोड नहीं कर पाया, वो काम नहीं कर पाया। एट जस्ट मोमेंट पता नहीं लैपटॉप ने कहां से अपडेट पकड़ ली, वो पूरा सारा सॉफ्टवेयर रिबूट हो गया, अब वो फिर से मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आपको वो चीज कल मिल जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 था। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 18 भी रिपीट हो गया, सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सेम वही रिपीट हो गया, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा और करेक्ट करके आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आरबीआई ने 2020 लिस्ट निकाली है किसकी, डी सिब्स की। डी सिब्स क्या होते हैं, डी सिब्स है आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डीसीप्स हम किसने कह रहे हैं, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, वो क्या कहला रही है आपका, डीसीप्स। तो आरबीआई की लिस्ट में तीन डीसीप्स आई हैं, तीन ऐसी बैंक्स हैं जो डीसीप्स होती हैं। अभी बताता हूं डीसीप्स का मतलब क्या है। तीन बैंक्स हैं, उनका नाम तो याद रखना ही रखना है, ये भी सवाल बन सकता है। तो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि आरबीआई की 2020 लिस्ट के हिसाब से कौन सी तीन बैंक डीसीप कैटेगरी में आती है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है। डीसीप कहने का मतलब है ये बैंक है टू बिग टू फेल। ये बैंक कैसी है, टू बिग टू फेल, यानी मान के चला जाता है ये बिग बैंक्स इतनी बड़ी हो चुकी कि अब ये फेल नहीं हो सकती, ये बैंक्स कभी भी फेल नहीं हो सकती। अगर ये फेल हो गई तो मान के चलिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत हद तक कोलैप्स होगी, इसीलिए गवर्नमेंट इनको कभी फेल होने भी नहीं देगी। अगर कभी एसबीआई, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी में कुछ इश्यूज आएंगे भी तो गवर्नमेंट उसको डेफिनेटली रिजोल्व कराएगी क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी तीन बैंक्स हैं। और इसका क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आरबीआई की जो 2020 लिस्ट में जो डीसीप्स में तीन बैंक्स आई हैं तो क्या क्राइटेरिया है जिससे आरबीआई डिसाइड करेगा कि ये बैंक डीसीप की लिस्ट में आएगी, ये बैंक डीसीप की लिस्ट में नहीं आएगी। तो क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो बैंक के एसेट्स हैं, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस ये हैं कि जो बैंक्स के एसेट्स हैं मस्ट बी, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 100 करोड़, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 200 करोड़, तीसरा ऑप्शन है एसेट्स मस्ट बी 5% ऑफ जीडीपी, और चौथा ऑप्शन है ग्रेटर देन 2% ऑफ जीडीपी। तो एसेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2% ऑफ जीडीपी या
5% ऑफ जीडीपी, तो करेक्ट आंसर बताइए इसका आप लोग। लोग ने करेक्ट आंसर बताया ग्रेटर देन 2% ऑफ जीडीपी। और लोग बताइए उनको क्या लग रहा है, और लोग कहां चले गए, सो गए क्या सब? सोनू जी कर बता रहे हैं आंसर डी। और लोग कहां है, और लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए ऑप्शन? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी ग्रेटर देन 2% ऑफ जीडीपी। तो ये क्राइटेरिया है किसी भी बैंक का डीसीप की कैटेगरी में आने के लिए। कोई भी बैंक अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देगी कि अगर उसकी जो एसेट्स हैं, उसकी जो वर्थ है वो जीडीपी के 2% से ज्यादा हो, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, डीसीप की कैटेगरी में। एट प्रेजेंट कितनी बैंक डीसीप की कैटेगरी में आ रही है, SBI, ICICI, HDFC, ये तीन आ रही है। अब देखिए अगर आप शायद खुद से पढ़ते तो डीसीप वगैरह देख के ही छोड़ देते, तो लाइव क्लास आने का डिफरेंस यही होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है चीजों का, थोड़ा क्लियर हो जाती चीजें। अब बार बार एक टर्म परेशान कर रहा है जीडीपी, ये जीडीपी क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म मेंशन करिए, जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो बता ही सकते हैं, पुराने स्टूडेंट्स जीडीपी का फुल फॉर्म चीख चीख के मैंने बताया क्लास में। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 8076535685, इस पर मैसेज कर दीजिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ जी, तो जीडीपी का फुल फॉर्म बताया जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बढ़िया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म है। जीडीपी होता क्या है, कुछ नहीं होता जीडीपी, सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर इंडिया का जीडीपी क्या होगा, हर कंट्री का अपना जीडीपी होता है, इंडिया का जीडीपी क्या होगा, इंडिया का जीडीपी का मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो किसमें काउंट होंगी, वो जीडीपी में काउंट होंगी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी चीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसमें काउंट होगी, जीडीपी में। अगर कल अंबानी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं, जीडीपी में काउंट होगा। कल अगर गूगल वाले अपना ऑफिस इंडिया में ओपन करते हैं, जीडीपी में काउंट होगा। बट अगर कल मान लीजिए रतन टाटा ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री लगा लें, मान लीजिए रतन टाटा ने ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री लगा ली, तो क्या वो जीडीपी में काउंट करेंगे, हाँ या ना, यस और नो? रतन टाटा जी ने अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री लगाई है तो वो जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं, यस या नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नो, तो ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, आंसर इज नो। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो ठीक है, आज का क्लास फिर हम यहीं पर रखते हैं। बाकी जितना क्वेश्चंस आज डिस्कस करा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या फिर एक कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा भी हमारा कुछ 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ था मंथली वाला, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस। लेकिन आपको जहां भी मिले ज्यादा से ज्यादा लगाने, देखिए यही आपका टाइम है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब आपके पास वो टाइम नहीं कि आप सोचें कि कोई मेरा एडिक्शन छुड़वा दे, ये करवा दे, वो सब टाइम गया। आपको ऑफिसर बनना है, ये सब बातें अगर बचपन में करें तो अच्छा लगता है। अब आपको ये समझना है कि जो भी आप हैबिट बना रहे हैं वो आपकी खुद की कॉन्शियस में बनती है, वो सब कॉन्शियस में नहीं बनती है। तो हर चीज आप खुद कर सकते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल करना है वो विल पावर आपके अंदर से ही निकलेगी। बस ये थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपने आप को समझाइए, वो चीजें अपने आप डेवलप होंगी। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आज आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आज आपको क्या करेंगे, चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे। आप कुछ भी करने जा रहे हैं आप उसको रिलेट करिए कि ये क्या मेरे एग्जाम से रेलिवेंट है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए या फिर ये काम करना चाहिए। मान लीजिए आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप तुरंत इमेजिन करिए कि शॉपिंग करना ज्यादा जरूरी है या एग्जाम करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए हवा पानी और खाना, इसके बाद
अगली जो चीज आपकी लाइफ में प्रायोरिटी होगी वो आपका एग्जाम होना चाहिए। हवा खाने पर खाना और पीना इसलिए जरूरी है, वो नहीं लेंगे तो जी कैसे पाएंगे। बाकी उसके बाद अगली जो नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम एट एनी कॉस्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर आपका यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप लोगों को, और पढ़ाई करते रहिए और बढ़िया सा एक स्कोर लाइए ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमने डिजर्विंग लोगों के साथ मेहनत करी है। चलिए ठीक है, थैंक यू।